को देखकर पता लगाया जा सकता है कि ये वाला डेंगू का है, ये वाला डेंगू का नहीं है? आप इनकी फ़ोटो लीजिए, आपको नेट से ही मिल जाएगी, और ये फ़ोटो देखने से आपको आइडिया हो जाएगा। मच्छर के बैठने का तरीका होता है, वो आपको बता देता है क्या है, ठीक है ना। हाँ, पर इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि आपके घर में जिस मच्छर ने खून पी रखा है ना, उसको घर से बाहर मत निकलने दो, नहीं ख़त्म कर दें। हाँ, क्योंकि ये जो खून पिया हुआ मच्छर होता है ना, यही तो अंडे पालता है। डेंगू का मच्छर सुबह सुबह काटता है, टेबल के नीचे घुस के काटता है, ये सबको मालूम है। नमस्कार, मैं हूँ प्रवीण। जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, डेंगू मलेरिया का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है और दिल्ली में एक मौत भी हो चुकी है, कैसे डेंगू मलेरिया के खतरे से बचें, कैसे सुरक्षित रखें अपने बच्चों को, ये समझने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर सी एम भगत मौजूद हैं। सर से बात करते हैं। सर अक्सर अपनी राय देते हैं सोशल इश्यूज़ पर, सर क्या कहेंगे जिस तरह से डेंगू मलेरिया के मामले सामने आने लगे हैं और जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, कैसे लोग बचाव करें? देखिए, मैं यही कहूँगा कि सरकारी महकमों की तरफ से कोशिश तो की गई है और पब्लिक भी थोड़ी जागरूक हुई है। ओवरऑल केसेस तो आ रहे हैं, फीवर के केसेस भी हैं। अब ये सीज़न साल का त्योहारों के साथ अनफॉर्चुनेटली हर साल ऐसा ही होता है कि डेंगू भी आता है थोड़ा बहुत, मलेरिया भी आता है, वायरल भी आता है, और ये सब मिलके एक मिक्स प्रेजेंटेशन करते हैं। जॉन्डिस इस बार ज़्यादा नहीं आया है, मैं कहूँगा। इवन डेंगू में भी जो डेथ हुई है, एक डेथ हुई है, नहीं तो अगर आप आज से कई साल पुराना डाटा लेंगे तो हज़ारों में होती थी। तो ओवरऑल सिस्टम को समझ भी लिया है, डॉक्टर्स भी सियाने हो गए हैं, गवर्नमेंट भी सतर्क हो गई है, मच्छरों को काबू भी करना है। अब यहाँ पे ना एक बड़ी अजीब सी परिस्थिति है कि हम नेचर को इनकरेज भी करते हैं, जब इतने पेड़ पौधे लगाए हैं तो पानी भी दूंगा उनको मैं, बारिश होगी तो कहीं ना कहीं मच्छरों का हमला भी आएगा। पर सारे मच्छर बीमारी नहीं फैलाते हैं, तंग ज़रूर करते हैं, न्यूसेंस तो रहेगी, पर मच्छर का आगमन धरती पे हमारे आने से पहले हुआ है। और ये भी सच है कि हर जीव को जीने का हक है। ये बात हम शहर वाले कम समझते हैं क्योंकि हम अपनी बात ज़्यादा करते हैं। अब अपने ही खेतों में मैंने एक बारी गुस्सा कर रहा था कि मेरे सारे अमरूद गिलहरी खा गई, कुछ करो इनका, तो हमारा माली बोला है साहब इनको भी तो दुनिया में जीना है, जीने दो इनको, खाने दो। तो हमने उसको बोला यार कुछ तो हमारे लिए भी छोड़ दो। पर देखिए कितनी प्यारी बात उसने कही थी कि वो गांव का आदमी था, वो कह रहा था कि ठीक है ये प्रकृति का नियम है कि अगर हम इनको हटा देंगे तो फिर कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाएगा, लेकिन बीमारी के जो जीवाणु हैं उनको काबू रखना है हमें, और जिसको भी डेंगू होता है वो थोड़ा सा अब सावधानी पे आ जाते हैं। हम जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा था ना, अभी तक तो थोड़ी इधर उधर की बातें होगी, हम उस पर आते हैं कि एक तो मच्छर को काटने से बचाइए। डेंगू का मच्छर सुबह सुबह काटता है, टेबल के नीचे घुस के काटता है, ये सबको मालूम है, पुरानी बातें होंगी, 20-25 साल से डिस्कशन हो रहा है। पैरों में सॉक्स डालिए ढंग से, लंबी पैंट डालिए। अभी ये अनफॉर्चुनेटली एक फैशन आ गया है कि एंकल हाई सॉक्स डालते हैं। एंकल हाई सॉक्स डालते हैं तो वो 6 इंच पैर का हिस्सा जो है ना पैंट के नीचे, वो एक्सपोज हो जाता है, मच्छर काट लेगा वहाँ पे, और हो सकता है वो डेंगू का हो। मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ करिए, जालियाँ इस्तेमाल करिए। शाम होते होते सूरज डूबने से आधा घंटा पहले बाहर के दरवाजे बंद कर दीजिए, जालियाँ हैं तो उनको बंद कर दीजिए, क्योंकि सूरज डूबने से आधा घंटा पहले, पौना घंटा पहले मच्छर की जो है ना फौज जो है वो बाहर से घरों के अंदर घुसना शुरू कर देती है। और सुबह जब आप उठते हैं तो आप देखते हैं कि ये बाहर निकलने के लिए तड़प रही होती है। घर की जालियों पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मच्छर चिपके होते हैं कि आप दरवाज़ा खोलो और ये बाहर भागे। सर, मच्छर को देखकर पता लगाया जा सकता है कि ये वाला डेंगू का है, ये वाला डेंगू का नहीं है? आप इनकी फ़ोटो लीजिए, आपको नेट से ही मिल जाएगी, और ये फ़ोटो देखने से आपको आइडिया हो जाएगा। मच्छर के बैठने का तरीका होता है, वो आपको बता देता है क्या है, ठीक है ना। हाँ, पर इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि आपके घर में जिस मच्छर ने खून पी रखा है ना, उसको घर से बाहर मत निकलने दो, नहीं ख़त्म कर दें। हाँ, क्योंकि ये जो खून पिया हुआ मच्छर होता है ना, यही तो अंडे पालता है। एसी में ज़्यादातर लोग रहते हैं और जो एसी का पानी है वो टपक के जमा हो जाता है, या फिर लोग कबूतर के लिए पानी रखते हैं, उसको कई दिनों तक बदलते नहीं हैं, उनसे भी खतरा है, उसमें क्या प्रिकॉशंस बदलते हैं? पानी आपको रखने का शौक है तो उसको बदलते रहिए, हर 48 घंटे बाद उसको बदलिए। एसी का पानी
अब बह ही जाता है, पर कुछ लोग ट्रे लगाते हैं ताकि नीचे नहीं गिरे, वो ट्रे में इकट्ठा हो जाता है। सावधानी यहाँ बरतनी है, जो एसी का पानी सीधा फर्श पर जाता है वो उसमें मच्छर नहीं पैदा होगा, लेकिन वो पानी क्योंकि एक ही जगह गिरे तो उसके लिए लोग ट्रे लगाते हैं, और ट्रे की स्लोप जो है ना कुछ कुछ पानी तो निकालती है, कुछ वहाँ पे इकट्ठा कर देती है, तो ये ख़तरनाक है। इसी तरह कूलर है, अब कूलर में भी अगर पानी आपने चेंज नहीं किया या मिट्टी का तेल नहीं डाला या डीजल नहीं डाला या जो स्पेशल दवाई MCD वाले डालते हैं वो नहीं डाली, तो वहाँ पर मच्छर पनप सकता है। तो इसको तो काबू करना है, मॉस्किटो रिपेलेंट लगाइए। अब प्रकृति में बैठने का एक अलग मज़ा है, और घर के अंदर कमरे में बंद होकर बैठने का दूसरा। आपकी चॉइस है, आप क्या लोगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ी सी सावधानी, थोड़ा सा मज़ा, दोनों का मिक्सचर रखिए। सरकार तो अपने लेवल पे कर रही है, आके कूलर में दवाइयाँ डाल रही है, पानी में दवाई डाल रही है, क्या घर पे रहकर खुद भी कुछ ऐसा किया जा सकता है कि जैसे खुद पेट्रोल डाल दें, मिट्टी तेल डाल दें। बिल्कुल, क्यों नहीं, जो सरकारी आदमी कर रहा है वही तो आपको करना है। अब देखिए, ये मेरी छत है, यहाँ पर 4,000 के लगभग पौधे लगे हुए हैं, ठीक है ना, आपने पहले भी इसके वीडियो डाले हैं, आप घूम फिर के देख लीजिए, आपको कहीं पे पानी इकट्ठा नहीं मिलेगा। थैंक यू सर। तो बचाव आपको करना है, अपना और अपने बच्चों का। डेंगू मलेरिया का खतरा लगातार बढ़ रहा है, डॉक्टर साहब ने बताया है कि क्या कुछ प्रिकॉशंस आपको बरतने चाहिए। अगर इंटरव्यू अच्छा लगता है तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे आगे भी शेयर करेंगे। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।